पुर हलचल में आपका स्वागत है तो आइए नजर डालते हैं नागपुर के विविध हलचल पर। सोशल फोरम के वर्ष 2021-2023 के चुनाव में मोहन मंजानी अध्यक्ष अरुण जग्यासी व इंदर कुमार रुघानी उपाध्यक्ष अशोक माखीजानी महासचिव शंकर मंचदिया व श्याम सचिव परमानंद विधानी कोषाध्यक्ष चुने गए तथा पीटी दारा को मार्गदर्शक बनाया गया कार्यकारिणी में जयकिशन विधानी डॉक्टर राजकुमार खियानी अशोक जेसवानी मोहन कृपलानी सुंदर तारवानी शंकर मूलचंदानी सुरेश आहूजा ईश्वर अमरनानी मुरली खटवानी वासुदेव हिरानी हरीश माईदासानी आशा मोटवानी कंचन गेहानी रजनी शर्मा सदस्य चुने गए हैं नारायण टहिलियानी नीलम ठकवानी व गोपाल खटवानी मनोनीत सदस्य तथा नानक लालवानी हरबख्श वरियानी इंद्रवाधवानी व चंद्रलाल वानी विशेष आमंत्रित सदस्य घोषित किए गए आईसी आई की नागपुर शाखा ने हाल ही में चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रीमियर लीग प्लास्टो सी ए पी एल कप दो के ग्यारहवें संस्करण का आयोजन किया विदर्भ से रणजी प्लेयर रजनीश गुरुबानी ने प्लास्टो सी पी एल इवेंट दो का उद्घाटन करते हुए कहा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता सफलता प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत लगन समर्पण और दृढ़ संकल्प आवश्यक तत्व है गुरबानी ने व्यस्त और तनावपूर्ण जीवन में खेलों के महत्व पर प्रकाश डाला और सी के इस अद्भुत संगठन के लिए सी ए साकेत बागड़िया और उनकी टीम के नेतृत्व में आईसीआई की टीम नागपुर शाखा को बधाई दी साकेत बागड़िया अध्यक्ष आईसीआई की नागपुर शाखा ने कहा चार्टर्ड कि अकाउंटेंट किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट को मानसिक मजबूती के साथ साथ शारीरिक रूप से भी फिट होना जरूरी है उन्होंने बताया कि इस टूर्नामेंट का आयोजन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को उनके व्यस्त कार्य कार्यक्रम से छुट्टी देने और ग्राहकों की वित्तीय फिटनेस का विधिवत ध्यान रखते हुए सदस्यों के बीच फेलोशिप को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जाता है बागड़िया ने इस कार्यक्रम को आयोजित करने में सहयोग के लिए शीर्षक प्रायोजक प्लास्टो ग्रुप को धन्यवाद दिया महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के नव नियुक्त अध्यक्ष विधायक वजाहत मिर्जा एवं सदस्य जनाब हसनैन शाकिर के नागपुर आगमन पर कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग की ओर से उनका जोरदार स्वागत किया गया इस अवसर पर कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के विभागीय अध्यक्ष ओवेस कादरी शहर अध्यक्ष इरशाद अली ताजुद्दीन समीर हाजी इसराइल शेख अकील अफसर शहबाज खान सैयद जुनेद ज्ञानेश्वर ठाकरे शुभम वासवानी निजाम अली आदि उपस्थित थे अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी एसोसिएशन के अध्यक्ष कॉमरेड वी रमेश ने एल के आई का विरोध करते हुए कहा कि एल सहित देश के सारे सार्वजनिक क्षेत्रों में देश की आम जनता मजदूर किसान व्यापारी व आम कर्मचारियों का पैसा लगा हुआ है इसको बचाने हेतु सबको एकजुट होना अत्यंत आवश्यक है देश नहीं बिकने दूंगा का नारा लगाने वाला व्यक्ति आज बैंक बीमा दूरसंचार, एयरलाइंस इस्पात कोयला रेलवे सहित सारी संपत्तियों को पूंजीपतियों को कौडी मोल भाव में बेच रहा है एल देश की अर्थव्यवस्था को ताकत देती है और उस पर करोड़ों लोगों का विश्वास है इसे बेचना जनभावनाओं के खिलाफ है और लोकतंत्र में इसका विरोध स्वाभाविक है नागपुर मंडल एल कर्मचारी संगठन नागपुर की ओर से नागपुर मंडल एल कर्मचारी संगठन और पश्चिमी क्षेत्रीय बीमा कर्मचारी एसोसिएशन के अध्यक्ष कॉमरेड अनिल ढोक पांडे को भारतीय जीवन बीमा निगम से सेवानिवृत्त पर विदाई कार्यक्रम शनिवार को किंग्स के परवाना भवन कॉम्प्लेक्स में उत्साह ऐसी मनाया गया कार्यक्रम की शुरुआत संघर्ष की राहों पर चलना है हमें ये गीत गाकर हुई समारोह की अध्यक्षता वरिष्ठ बीमा कर्मचारी नेता कॉमरेड रमेश पाटने ने की आदिवासी लेखिका उषा किरण आतराम आदिवासी समुदाय की बुद्धिजीवी नेता है और आदिवासी साहित्य में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है इस क्षेत्र में उनका निरंतर योगदान अत्यंत सराहनीय है नाटककार और आलोचक डॉक्टर सतीश पावडे ने कहा कि उनका नाटक अहेराचा बदला अहेर सिर्फ आदिवासी समुदाय का आईना नहीं है बल्कि इस संदर्भ में एक ग्रंथ भी है हिंदी मोर भवन के अर्पण सभागार में गोंडवाना दर्शन संपादक मंडल आदिवासी भाषा शोध संस्थान धने और माए मराठी नक्षत्र प्रतिष्ठान के सहयोग से गोंडवाना दर्शन पत्रिका के संस्थापक संपादक उषा किरण आतराम द्वारा लिखित और संपादित नाटक अहेराचा बदला अहेर गोंडवाना की जमा पूंजी वैचारिक लेख संग्रह सुनहेर सिंह आतराम स्मृति विशेष अंक गोंडवाना दर्शन मनी रमन दुग्गा द्वारा लिखित गोंडी व्याकरण एच एम पोटनाखे द्वारा लिखित लोकनायक बिरसा मुंडा इन पांच ग्रंथों का विमोचन समारोह शनिवार को आयोजित किया गया कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ लेखक एवं आदिवासी समाज चिंतक डॉक्टर वासुदेव डहा के द्वारा की गई जबकि नाट्य लेखक एवं आलोचक डॉक्टर सतीश पावड़े सहायक संपादक द कारवा इंग्लिश मासिक के लेखक डॉक्टर आकाश पोयाम इतिहास लेखक डॉक्टर श्यामराव करोती आंदोलनकारी एवं जंगल विशेषज्ञ एडवोकेट लालसू नागौटी और साहित्य आलोचक डॉक्टर वैजनाथ अनमोलवाड़ा मुख्य रूप से उपस्थित थे मान्यवरों द्वारा पांच ग्रंथों का विमोचन किया गया म्यूजिकल सेगमेंट शो पार्ट वन बेस्ट ऑफ एटीज एंड नाइन्टीज ए गोल्डन इरा का आयोजन आई होम स्टूडियो और के के म्यूजिकल ग्रुप द्वारा सीताबर्टी के विदर्भ हिंदी साहित्य सम्मेलन में किया गया दर्शकों ने कार्यक्रम का उत्साहपूर्वक जवाब दिया और गायकों की सराहना की कार्यक्रम की परिकल्पना और संचालन हरीश कापसे और रितेश कुलसांगे ने किया था इस मौके पर शालिनी सिन्हा अनुष्का काले आकांक्षा चौधरी सुनीता अग्निहोत्री प्रवीण खुरपड़ी भूपेश मसराम इरफान खान शोएब खान समीर वजलवार और गोपाल कांसरे मौजूद थे हर्ष कापसे को ये बहुत पसंद है इस गाने ने कार्यक्रम की शानदार शुरुआत की उसके बाद गोपाल ने जिंदगी की यही रीत है रितेश कुलसांगे और अनुष्का काले ने सरकी जो सर की जो से समीर वजलवार और शालिनी सिन्हा ने पहला नशा पहला कुमार उसके बाद इरफान खान दिल भर मेरे कब तक सारा जमाना प्रवीण खुरपति तुम इस तरह हो मेरी जिंदगी में समीर वजलवार दीवाना में चला रितेश कुलसंगे गोपाल पंसारे ने चांद से पर्दा गानों को गाकर दर्शकों का मन मोह लिया दर्शकों ने सभी गायक और गायिकाओं की बहुत सराहना की स्थानीय अरविंद इंडो पब्लिक स्कूल में विगत दिनों वीर गाथा प्रोजेक्ट के अंतर्गत कक्षा पांचवी से दसवीं कक्षा के विद्यार्थियों ने अपने प्रिय शौर्य पुरस्कार विजेता पर निबंध लिखे विद्यार्थियों ने उनके सम्मान में ड्रॉइंग भी बनाए कुछ विद्यार्थियों ने कविता भी लिखी विक्रम बत्रा सभी के सबसे प्रिय शौर्य पुरस्कार विजेता रहे उसी तरह कई विद्यार्थियों ने नीरजा भनोट प्रथम शौर्य पुरस्कार विजेता महिला को अपना आदर्श बताया बानूराम अल्ताफ हुसैन भट्ट मेजर सोमनाथ शर्मा को भी विद्यार्थियों ने अपना आदर्श माना और कहा कि हम भी भविष्य में इसी तरह अपने देश के लिए निस्वार्थ तरीके से कार्य करेंगे वीर गाथा प्रोजेक्ट के समापन समारोह को संबोधित करते हुए स्कूल के प्राचार्य राजेंद्र मिश्रा ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत वीर गाथा प्रोजेक्ट में कक्षा तीसरी से दसवीं के विद्यार्थियों को सम्मिलित करने का एकमात्र उद्देश्य हमारे सैनिकों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए विद्यार्थियों में देश प्रेम की अलख जगाना है उन्होंने सभी सहभागी विद्यार्थियों का अभिनंदन किया अरविंद बाबू देशमुख प्रतिष्ठान के कार्यकारी निदेशक एवं पूर्व विधायक आशीष देशमुख ने स्कूल के उपक्रम की सराहना करते हुए सभी विद्यार्थियों की प्रशंसा की एवं उन्हें शुभकामनाएं दी राष्ट्रीय कैडेट कोर के तिरतरवे वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मेजर जनरल आलोक बेरी कमांडेड राष्ट्रीय कैडेट कोर अफसर प्रशिक्षण एकेडमी ने सभी प्रशिक्षणार्थियों कर्मचारीगण एवं उनके परिवारों को शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई दी प्रतिवर्ष नवंबर का चौथा रविवार एनसीसी दिवस के रूप में मनाया जाता है शनिवार को हुए सैनिक सम्मेलन के दौरान समादेशक महोदय ने बताया कि एनसीसी दुनिया का सबसे बड़ा युवा संस्थान है जिसमें तमाम कैडेट सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों और संस्थान से जुड़े सभी कोर्सेज एवं कार्यों में निरंतर प्रगति करते हैं यह हमारे युवाओं को ढालकर उन्हें एनसीसी प्रशिक्षण देकर उनके प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देता है जिससे वे जिम्मेदार अनुशासित और अच्छे नागरिक तथा सैनिक बने एनसीसी राष्ट्रीय एकता और अखंडता का एक चमकता उदाहरण है एनसीसी ओ टी ये एनसीसी का अपना संस्थान है जिसने राष्ट्र निर्माण में अमूल्य योगदान दिया है इसमें एनसीसी के प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाता है और एकता और अनुशासन जैसे गुणों को एनसीसी कैडेटों में कुट कूट कर भर दिया जाता है महोदय ने उपस्थित सभी को भविष्य के नायकों को तैयार करने के मूल लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उनके असीम प्रयासों और बहुमूल्य योगदान के लिए धन्यवाद किया श्री हरि सत्संग समिति द्वारा श्री हरि कथा प्रशिक्षण केंद्र में गांव से विद्यार्थियों को सनातन धर्म के हर प्रकार की संस्कार शिक्षा दी जाती है इसी क्रम में विद्यार्थियों को यज्ञ व हवन करने की भी शिक्षा दी जाती है हर रविवार सुबह दस बजे पाठ्यक्रम के अनुसार हवन शिक्षा का पाठ पढ़ाया जाता है अध्यक्ष कृष्ण जी दायमा का स्पष्ट मानना है कि प्रशिक्षण केंद्र स्वावलंबी रहे पैसे के लिए किसी के भी आश्रय नहीं रहे नागपुर समिति के सभी सदस्य अध्यक्ष की इस भावना के साथ है इसमें ऐसा निर्णय लिया गया है कि आगे होने वाले यज्ञ के लिए हम एक यजमान रखें, शहर के अलग अलग गट के लोगों को हवन के माध्यम से हम जोड़े बच्चों को यहाँ आने के लिए प्रोत्साहित करें। इस श्रृंखला में इस रविवार को धर्म प्रेमी समाज सेवी और एक दानदाता एकल श्री हरि सत्संग समिति के संरक्षक शंकर लाल जी जालान यज्ञ के यजमान रहे यज्ञ प्रशिक्षण केंद्र के प्रमुख आचार्य खगेश प्रधान द्वारा किया गया प्राचार्य दुर्गेश ने सहयोग दिया नवग्रह व अन्य देवी देवताओं का आह्वान किया गया उन्हें स्थापित किया गया तत्पश्चात यज्ञ भगवान की पूजा शुरू हुई विभिन्न देवी देवताओं के नाम की आहुति दी गई दक्षिण अफ्रीका में कोविड वायरस का एक नया स्ट्रेन एमिक्रॉन खोजा गया है इस पृष्ठभूमि में संभागीय आयुक्त प्राजक्ता लवंगारे वर्मा ने केंद्र और राज्य सरकारों से प्राप्त दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करते हुए विदेश से आने वाले सभी यात्रियों की जांच करने के निर्देश दिए हैं संभागायुक्त ने रविवार को टेलीविजन प्रणाली के माध्यम से नागपुर संभाग के सभी जिला कलेक्टरों की समीक्षा बैठक बुलाई बैठक में नागपुर जिलाधिकारी विमला आर मनपा आयुक्त राधा कृष्ण भी जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभेजकर संयुक्त पुलिस आयुक्त अश्वती दोरजे जिला पुलिस अधीक्षक विजय कुमार मगर पुलिस उपायुक्त बसवराज तेली मनपा के अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी मेडिकल के डीन डॉक्टर सुधीर गुप्ता उपनिदेशक स्वास्थ्य डॉक्टर संजय जायसवाल जिला सर्जन देवेंद्र पातुरकर, जिला स्वास्थ्य अधिकारी दीपक सेलोकर और कोविड टास्क फोर्स के तमाम प्रतिनिधि इस अवसर पर उपस्थित थे बैठक में संभागीय आयुक्त ने कहा कि कोविड के नए वायरस को फैलने से रोकने के लिए सभी को सावधानी बरतने की जरूरत है और उन्होंने मास्क पहनना सामाजिक दूरी बनाए रखना और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने जैसे नियमों का पालन करने के निर्देश दिए सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए नियमों का कड़ाई से पालन किया जाए इस आशय के इस आशय के निर्देश उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को दिए शहर की घनी आबादी वाले क्षेत्र में यातायात व्यवस्था हमेशा जटिल और असंतोषजनक रही है ऐसे में ट्रैफिक का दबाव बहुत अधिक हो जाता है ऐसे तुलना में व्यवस्थाएं बहुत कम है सड़कें कई स्थानों पर टूट फूट गई है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शहर अध्यक्ष दुनेश्वर पेठे के मार्गदर्शन में व रकापा मध्य नागपुर अध्यक्ष रिजवान अंसारी के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने पुलिस उपायुक्त सारंग आवाड़ को एक ज्ञापन सौंपा और कई बिंदुओं पर पुनर्विचार करने की मांग की यातायात जाम शहर की मुख्य समस्याओं में से एक है लोग परेशान हैं और ट्रैफिक पुलिस केवल खाना पूर्ति करते हुए टाइम पास कर रही है इसका मुख्य कारण अवैध पार्किंग व नियमों के उलट भारी वाहनों का दिन में बाजार में घुसना है ट्रैफिक कंट्रोल कमेटी ने नियम लागू किया है जिसके तहत सुबह 8 बजे से शाम के आठ बजे तक बड़े व वा कमर्शियल वाहन शहर में दाखिल नहीं हो सकते इन वाहनों के घुसने से ट्रैफिक की समस्या पैदा होती है इसके बावजूद ट्रैफिक पुलिस चौराहों में खड़ी सारा तमाशा देखते रहती है यही नहीं ट्रैफिक पुलिस अधिकारी समस्या का निवारण करने के बजाय चालान काटने में व्यस्त रहते हैं जिससे नागरिक परेशान है में दुनेश्वर पेठे, पुनम कर आदि उपस्थित थे आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र नागपुर संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार एवं भाषा और संस्कृति विभाग आंध्र प्रदेश द्वारा स्वतंत्रता सेनानी उयालवाड़ा नरसिम्हा रेड्डी को समर्पित लोक नृत्य भारत भारती का आयोजन शुक्रवार एवं शनिवार प्रतिदिन दोपहर चार बजे किया गया इस दो दिवसीय कार्यक्रम में देश के विविध पारंपरिक लोक नृत्यों की रंगारंग प्रस्तुतियाँ दी गई इस दो दिवसीय कार्यक्रम का प्रसारण दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र नागपुर के यूट्यूब लिंक पर लाइव किया गया इस कार्यक्रम का एक से अधिक दर्शकों ने आनंद लिया शुक्रवार को पुसुपुलेटी आयप्पा स्वामी एवं समूह द्वारा आंध्र प्रदेश का गरगुल नृत्य साधु श्री लक्ष्मी एवं समूह द्वारा आंध्र प्रदेश का चिक्का भजन ए पवन अशेष कुमार एवं समूह द्वारा आंध्र प्रदेश का तपेट्टा गुल्लू शीरिषा एवं समूह द्वारा तेलंगाना का बोनालो नृत्य सुबोध प्रामाणिक एवं समूह द्वारा झारखंड का छाऊ नृत्य गुरुदर्शन सिंह एवं समूह द्वारा पंजाब का भांगड़ा नृत्य और डॉक्टर राहुल हल्दे एवं समूह द्वारा महाराष्ट्र के लावणी नृत्य की सुंदर प्रस्तुतियां दी गई। शनिवार को पुसुपुलेटी अय्यप्पा स्वामी एवं समूह द्वारा आंध्र प्रदेश का वीरनाट्यम एम एवं समूह द्वारा कर्नाटक का कम साले नृत्य सुबोध प्रामाणिक एवं समूह द्वारा झारखंड का पाइका नृत्य की रंगारंग प्रस्तुतियाँ दी गई हमारे देश में सदियों से सोना चांदी उससे बने को ने निवेश की से खरीदा है आयोजित स्वर्ण आभूषणों पर जीएसटी काउंसिल द्वारा संभावित जीएसटी कर के दरों की वृद्धि के बारे में बोल रहे थे टीम कैट नागपुर तथा नागपुर स्वर्णकार संघ के लोगों के साथ एक बैठक में वे बोल रहे थे बीसी भारतीय ने आगे कहा कि हमारे देश में निवेश के अनेकों साधन हैं जैसे शेयर बाजार इंश्योरेंस म्यूचुअल फंड आदि इन किसी भी वस्तुओं पर जीएसटी नहीं है इसी तर्ज पर सोने चांदी में भी आम जनता निवेश करती है इसीलिए सोना चांदी को भी जीएसटी दायरे के बाहर रखा जाए टीम कैट महाराष्ट्र के सोना चांदी समिति के संयोजक राजकुमार गुप्ता ने विषय उठाते हुए कहा कि सोना चांदी की बढ़ती हुई कीमत की वजह से पहले ही आभूषण काफी महंगे हो रहे हैं ऐसी परिस्थिति में जीएसटी एस के दरों को बढ़ाना अनुचित ही नहीं अव्यवहारिक भी है टीम कैट नागपुर के अध्यक्ष किशोर धारा शिवकर ने कहा कि सरकार की नीतियों के चलते सोना चांदी का व्यवसाय पहले ही काफी तकलीफ में चल रहा है अतः इससे निजात दिलाने के लिए ये कदम उठाने की आवश्यकता है महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले नागपुर शहर कांग्रेस अध्यक्ष विकास ठाकरे के मार्गदर्शन में मध्य नागपुर ब्लॉक सोलह के अध्यक्ष मोतीराम मोहाड़ीकर के नेतृत्व में हमले में हुए शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई मुंबई में हुए इस आतंकवादी हमले में मारे गए सैकड़ों निष्पाप लोग और भारतीय सैनिकों का बलिदान देशवासी कभी नहीं भूल पाएगा उन्हीं की याद में मध्य नागपुर ब्लॉक सोलह के अध्यक्ष मोतीराम मोहाड़ीकर के नेतृत्व में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया मोहाड़ीकर ने बताया कि आतंकवादियों ने मुंबई में बेकसूर लोगों के ऊपर गोलियां चलाई और इसके चलते सैकड़ों लोग मारे गए हमारे देश के सैकड़ों परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा ऐसे पाकिस्तानी आतंकवादियों को हमारा देश कभी भी माफ नहीं करेगा इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में पूर्व उप महापौर अण्णा राउत कृष्णा कावड़े रमेश पुणेकर महेश श्रीवास गीता जलगांवकर राजू ताबूत वाले ऊषा खरबीकर किशोर शिरपुरकर दीनानाथ खरबीकर प्रवीण कामड़े ओम प्रकाश शाहिर राहुल खापेकर नितिन नांदगांवकर नीलकंठ पौनीकर प्रकाश लायसे दुर्गेश प्रधान वर्षा से, त्रिवेणी नंदनकर अक्षय डोरलीकर निखिल कुंटे माया धापोड़कर गीता आमनेरकर भीषण ब्रह्मे आशा खोड़े प्रशांत शिलेकर राधिका हेड़ाऊ आदि कांग्रेस नेता पदाधिकारी कार्यकर्तागण शामिल हुए महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडल का सरकार में विलीनीकरण करने की मांग को लेकर मुंबई में बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है आंदोलन लगभग पंद्रह दिन से शुरू है लेकिन सरकार या प्रशासन द्वारा किसी भी प्रकार का हल नहीं निकाला गया है नहीं सरकार की ओर से कोई भी एसटी कर्मचारियों से बातचीत कर रहा है एसटी कर्मचारी भी अपनी मांग पर अड़े हैं। इसी आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में उपराजधानी नागपुर से भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी कामगार आघाड़ी की मदद से भाजपा शहर अध्यक्ष एवं विधायक प्रवीण दटके मोहन मते और कृष्णा खोपड़े सहित सभी भाजपा विधायकों व भाजपा कामगार आघाड़ी अध्यक्ष भास्कर पराते के नेतृत्व में एस के 24 कर्मचारी दुरंतो ट्रेन से मुंबई आंदोलन में शामिल होने के लिए रवाना हुए भाजपा कामगार आघाड़ी के अध्यक्ष भास्कर पराते ने कहा की भाजपा और भाजपा कामगार आघाड़ी की ओर से एस कर्मचारियों की मांगों को पूर्ण समर्थन दिया जा रहा है इस अवसर पर भाजपा अध्यक्ष विधायक प्रवीण दटके और सभी विधायकों के अलावा भाजपा की ओर से भाजपा कामगार आघाड़ी अध्यक्ष भास्कर पराते सोनू वर्मा यश पांडे विजय पवनीकर नागेंद्र सिंगेवरम रजत बोकड़े पीयूष बघेल नीतिश मंडावर सुरेंद्र बेदी श्रीकांत ठाकरे सुरेश किटालीकर और भाजपा व भाजपा कामगार आघाड़ी के पदाधिकारीगण उपस्थित थे नागपुर स्थानीय स्वराज्य संस्था निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव अवधि के दौरान आचार संहिता का पालन करते हुए चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार दैनिक निर्धारित प्रारूप में जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश चुनाव निरीक्षक ने डॉक्टर माधवी खोड़े चौरे ने दिए हैं। वे शनिवार को कलेक्टर कार्यालय के सभागार में प्रत्याशियों व उनके प्रतिनिधियों की बैठक को संबोधित कर रही थी उन्होंने कहा की उम्मीदवारों को नियमित रूप से निर्धारित प्रारूप में व्यय की बैलेंस शीट जमा करनी चाहिए प्रचार के लिए मुद्रित किए जाने वाले पैम्पलेट और प्रचार सामग्री को मीडिया प्रमाणन और निगरानी समिति द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए मतदाताओं को प्रलोभन देने किसी भी प्रकार का प्रलोभन देने मतदाताओं पर दबाव बनाने जैसे कदम न उठाए उन्होंने प्रशासन से मतदान केंद्रों पर चुनाव आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव प्रक्रिया के संचालन में प्रशासन को सहयोग करने की भी अपील की बैठक में कलेक्टर विमला आर ने मतदान केंद्रों की सूची उपलब्ध कराई साथ ही चुनाव आयोग के नियमों पर मार्गदर्शन भी दिया आर डी सी डॉक्टर सुजाता गंधे विशेष शाखा के पुलिस उपायुक्त बसवराज टेली और ग्रामीण अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल माकनीकर तहसीलदार राहुल सारंग तहसीलदार नीलेष काले उप तहसीलदार सोनाली वाघ और उम्मीदवारों के प्रतिनिधि उपस्थित थे सीताबाड़ी इंटरचेंज से प्रजापति नगर रीच फोर मार्ग पर निर्माण कार्य करने के लिए एक से दस दिसंबर तक एक्का लाइन मार्ग पर झांसी रानी चौक से सीताबाड़ी इंटरचेंज मेट्रो स्टेशन के बीच यात्री सेवा बंद रहेगी महामेट्रो ने झांसी रानी चौक सीताबी इंटरचेंज झांसी रानी चौक मेट्रो स्टेशन के बीच यात्रियों के लिए वैकल्पिक निशुल्क फीडर बस सेवा उपलब्ध कराई है यात्रियों को होने वाली असुविधा के लिए महामेट्रो प्रशासन ने खेद व्यक्त किया है सौगंधिका सेंटर फॉर मोहिनी अट्टम की ओर से आज शाम छह बजे लक्ष्मी नगर स्थित साइंटिफिक हॉल में डॉक्टर हनी उन्नी कृष्णन के मोहिनी अट्टम कंसर्ट का आयोजन किया जा रहा है भरतनाट्यम गुरु और राज्य संगीत नाटक एकेडमी का गौरव पुरस्कार प्राप्त नृत्य निर्देशक रेमा श्रीकांत इस शो का उद्घाटन करेगी सामाजिक कार्यकर्ता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की पत्नी कांचन गडकरी की मुख्य उपस्थिति रहेगी दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की उप गौरी मराठे मुख्य अतिथि होगी डॉक्टर हनी उन्नी कृष्णन ने कम उम्र से ही नागपुर में नृत्य सीखना शुरू कर दिया था फिल्म निर्देशक जतिन शंकर राज की पत्नी डॉक्टर हनी ने भारतीय गंधर्व महाविद्यालय मुंबई से भरतनाट्यम का डिप्लोमा किया है और हिंदुस्तान आर्ट्स एंड म्यूजिक सोसाइटी कोलकाता से भरतनाट्यम की पदवी प्राप्त की है उन्होंने देश भर में कई सोलो परफॉर्मेंस दिए हैं। नृत्य गुरु डॉक्टर नीना प्रसाद और नृत्य गुरु प्रमिला उन्नी कृष्णन ने सभी से इस कार्यक्रम में उपस्थित रहने का आह्वान किया है खान का है हमिदिया की ओर से चार दिवसीय जश्न गौसे आजम कार्यक्रम का आयोजन बगदाद वाले गौसे आजम दस्तगीर पीराने पीर के बरकाती माह में उनके नाम से नजरों नियाज खात्मे ख्वाजगन और तकरीर के क्रमवार सिलसिले का आज समापन हो गया औरंगाबाद से पधारे हमीदिया सिलसिले के प्रमुख डॉक्टर हजरत शाह जाकिर हमिद किबला के आगमन आरोप हसनबाग ताजबाग खापरखेड़ा सावनेर में जश्न गौसे पाक पर तकरीर हुई समापन कार्यक्रम हसनबाग में हुआ जाकिर शाह साहब ने जन समुदाय को संबोधित करते हुए सादगी भरा जीवन कैसे जिया जाता है इसका उदाहरण दिया उन्होंने आधुनिकता की चकाचौंध में शादी ब्याह में फिजुल खर्ची व गैर जरूरी संसाधनों के इस्तेमाल से बचते हुए ब्याज व कर्ज मुक्त जीवन गुजारना कहीं बेहतर होने की बात कही उन्होंने कहा कि इंसान को रूहानी सुकून नहीं है क्योंकि खौफे खुदा दिल से निकल गया है इस प्रसंग पर गरीबों व जरूरतमंदों को कम्बल बांटे गए अल अजीत सोशल एजुकेशनल मल्टीपर्पज वेलफेयर सोसाइटी के कार्यकारी अध्यक्ष अमजद खान तथा सचिव अब्दुल अमानी कुरैशी के सौजन्य से डॉक्टर हजरत शाह जाकिर हमिद किबला का शॉल मानपत्र ट्रॉफी देकर सत्कार किया गया मंच पर यूसुफ अली शाह सलीम चिश्ती शाह आबिद अली शाह फिरोज अली शाह जावेद अली शाह बिस्मिल्लाह अली शाह आदि प्रमुखता से उपस्थित थे सामाजिक कार्यों के प्रति जागरूकता को ध्यान में रखते हुए दिशाए रेवोल्यूशन फाउंडेशन के सौजन्य से कोरोना काल में अपनी सेवाएं देने वाले कोरोना योद्धाओं को कांचन गड़करी के हाथों सम्मानित किया गया साथ ही उन्होंने फाउंडेशन के कार्यालय का उद्घाटन भी किया कार्यक्रम का आयोजन हिंगना नाका के पास जयताला में किया गया प्रशांत माहेश्वरी डीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी शाखा नागपुर विश्वविद्यालय चंद्रशेखर मोहिते सदस्य सड़क सुरक्षा समिति और राष्ट्रीय सलाहकार टी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे इस संस्था द्वारा कोरोना योद्धाओं का अभिनंदन किया गया संगठन से जुड़े ये कोरोना योद्धा सामाजिक कार्यों में अग्रणी रहे हैं संगठन ने कोरोना के कारण अपने माता पिता को खोने वाले चौदह बच्चों को गोद लिया था साथ ही 350 परिवारों के लिए किराना और भोजन की व्यवस्था की थी उन्होंने सड़क किनारे शरण लिए हुए गरीब लोगों को कम्बल भी बांटे इस संगठन ने ऐसी कई सामाजिक रूप से उपयोगी पहल की है इस समारोह में कांचन गडकरी ने दर्शकों को उचित मार्गदर्शन दिया उन्होंने आशा व्यक्त की कि इस तरह के और अधिक सामाजिक रूप से उपयोगी संस्थान स्थापित किए जाए इस अवसर पर भूपेंद्र सिंह तोमर मेघा तोमर स्मिता भिंडे सुनीता गुप्ता वंदना उके आदि मौजूद रही तो नागपुर हलचल में आज इतना ही आपसे फिर मुलाकात होगी तब तक देखते रहिए बीकेबी न्यूज नमस्कार